नमस्कार, मैं प्रिया। धाराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गायों को उचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब राज्य सरकार गायों की चिकित्सा के लिए अभिनव एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करने जा रही है, जिसके माध्यम से गाय को बिना देरी के पशु चिकित्सालय भेजा जा सकेगा। साथ ही राज्य सरकार गायों की नस्लों के सुधार के लिए एब्रियो ट्रांसप्लांट की व्यवस्था भी पशुपालक को उपलब्ध करवाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिपुरा के 1.47 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त को हस्तांतरित किया है। इस दौरान लाभार्थियों के बैंक खाते में करीब 700 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम ने जो सबका साथ सबका विकास और सबका आवास देने का वादा किया था, उसे पूरा किया जा रहा है। चीन को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है तो ड्रैगन की बौखलाहट सामने आ जाती है और एक बार फिर से ड्रैगन ने भारत के खिलाफ जमकर विष उगला है। भारत ने चीन की सीमा पर विध्वंस मचा देने वाला ब्रह्मोस मिसाइल का तैनात किया। चीन की तिलमिलाहट सामने आ गई और कम्युनिस्ट पार्टी के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा में भारी चूक का नजारा देखने को मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि मुंबई जाने वाली यात्रियों को बैंगलोर के फ्लाइट में बोर्डिंग करा दिया गया। इसके बाद जब पता चला कि यह फ्लाइट मुंबई जाने वाली नहीं है बल्कि बैंगलोरों की है, तो यात्रियों ने जबरदस्त हंगामा करना। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा है कि उनका देश भारत सहित किसी भी देश के साथ संघर्ष नहीं चाहता। मुत्ताकी ने यह टिप्पणी बीबीसी उर्दू से बात करते हुए की है। यह एक महिला पत्रकार के साथ उसका पहला साक्षात्कार भी था। महिला पत्रकार ने मुत्ताकी से तालिबान सरकार के तहत नई दिल्ली के साथ अफगानिस्तान के संबंधों के बारे में सवाल किया था। गंगा के रास्ते कोलकाता बंदरगाह से 2 जहाजों में लाया गया 471 टन बजनी अमोनिया कन्वर्टर जल्द ही अमेठी स्थित इंडो गल्फ फर्टिलाइजर तक पहुंचा दिया जाएगा। रविवार को जहाज मिर्जापुर पहुंच गया है। अब मझगांव में गंगा किनारे जेटी बनाई जा रही है। यहां से इसे सड़क के रास्ते गंतव्य तक ले जाया जाएगा। इसमें सप्ताह भर का वक्त लग सकता है। प्रसिद्ध इतिहासकार और पद्म विभूषण से सम्मानित बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया है। उन्हें बाबा साहेब पुरंदरे के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। म्यांमार में सेना के सत्ता पर काबिज होने के बाद पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था कई साल पीछे चली गई है और राजनीतिक अशांति तक हिंसा ने बैंकिंग व्यापार और आजीविका को बाधित कर दिया है, जिससे लाखों लोग गरीबी में चले गए हैं। शिवशाहिर बाबा साहेब पुरंदरे का 99 साल की उम्र में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में इलाज के दौरान सोमवार सुबह 5:07 पर स्वर्गवास हो गए। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर केन विलियमसन ने उसके बाद अपना एक बड़ा बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हमें लगा कि यह स्कोर अच्छा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बखूबी उनका पीछा किया है। वो शानदार टीम है और पूरे टूर्नामेंट में उसने यादगार प्रदर्शन किया है। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर सभी दल साझा विपक्ष में शामिल है, जो संसद सत्र में साफ हो जाएगा। उन्होंने 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के आगामी शीतकालीन सत्र, पिछले दिनों हुए उपचुनाव और कांग्रेस राजद गठबंधन को लेकर कई मुद्दों पर IANS से खास बातचीत की। बिहार के नालंदा के रहने वाले सेना के जवान गणेश कुमार मुकेश उर्फ राकेश यादव को रविवार को बिहार ATS ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ पटना जिले में खगौल थाने में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि वो सेना की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान की एक महिला को देते थे। उसके गांव वालों को इस बात से कोई अचरज नहीं है। भारत में अभी कोरोना का कहर पूरी तरह से थमा नहीं है। हर दिन करीब 10,000 कोरोना मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को ताजा आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,229 नए मामले सामने आए और 125 लोगों की जान गई है, जिसमें केरल में कल आए कोरोना वायरस के 5,848 मामले और फिर 46 लोगों की जान गई है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग ने रविवार को कोविड को लेकर बिहार में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अभी तक लागू अनलॉक 7 की समय सीमा 15 नवंबर को पूरी हो रही है। नया आदेश 16 नवंबर से 22 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। रेल मंत्रालय ने पैसेंजर्स रिजर्वेशन सिस्टम से जुड़ी जरूरी सूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 14 नवंबर की मध्यरात्रि से 21 नवंबर की मध्यरात्रि तक यानी एक हफ्ते के लिए टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन से जुड़ी सभी सेवाएं बाधित रहेंगी। क्रिप्टोकरेंसी का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में भी इसमें निवेश करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस वजह से अब मोदी सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। 13 नवंबर को इस मुद्दे पर पीएम की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई थी। अब 2 दिन बाद सोमवार को इस पर फिर से पीएम बैठक बुलाई गई थी।
पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के चीफ का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है। रविवार को भारत सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक आगे बढ़ाने का अध्यादेश जारी किया है। मौजूदा समय में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख का कार्यकाल 2 साल का ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ 5 चिंतन शिविरों का समापन किया। सत्र 4 घंटे से अधिक समय तक चला, जिसके दौरान मंत्रियों ने प्रस्तुतियां दी हैं और पीएम ने कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सूत्रों ने बताया है कि 77 मंत्रियों को 8 समूहों में बांटा गया है, जिसमें से हर एक के लिए एक को समन्वयक चुना गया है। बीते दिन ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी जश्न में ऐसे डूबे कि बियर को जूते में डालकर पीते देखे गए। आईसीसी ने एक वीडियो सोमवार को शेयर की है, जिसमें मैथ्यू वेड और मार्क स्टोइन्स जूते में बियर डालकर पीते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख की नियुक्ति को लेकर तकरार तेज हो गई है। अब सूत्रों को यहां तक कहना है कि सेना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पद से हटाने की तैयारी कर रही है। 108 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सोमवार सुबह मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा यात्रा की आगवानी की और इसके साथ ही पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारे और हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजामयान हो गया। मंगला आरती के बाद से ही मंदिर परिसर में आयोजन शुरू हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की स्मृति में सोमवार को रांची में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने डिजिटल माध्यम से एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि धरती आबा दुनिया में लंबे समय तक नहीं रहे, लेकिन उन्होंने देश के लिए पूरा एक इतिहास रच दिया है और भारत की भावी पीढ़ियों को दिशा दी है। खबर है घरेलू एयरलाइन गोफर्स ने डोमेस्टिक नेटवर्क को बढ़ाते हुए 32 नई फ्लाइट्स शुरू करने की घोषणा की है। अच्छी बात यह है कि एयरलाइन कंपनी ने अपने घरेलू नेटवर्क में अमृतसर, सूरत, देहरादून और आइजोल को भी शामिल किया है। इस घोषणा के तहत इन एयरपोर्ट को दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, बैंगलोर, कोलकाता और गुवाहाटी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट से जोड़ा जाएगा। देश के कई राज्यों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग की माने तो दक्षिणी राज्य केरल में हो रही भारी बारिश के मंगलवार तक जारी रहने के आसार हैं। आज झारखंड का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन झारखंड की स्थापना हुई थी। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर सचिवालय को सजाया गया। रांची के धुरवा स्थित झारखंड सचिवालय आकर्षक लाइटनिंग से पूरा जगमग था। त्रिपुरा में हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र के अमरावती में निकाली गई रैली में हिंसा के विरोध में शनिवार को भाजपा द्वारा बुलाए गए बंद में मुस्लिम समुदाय की दुकानों में कई तोड़फोड़ किए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया है कि हिंसाग्रस्त कोतवाली इलाके में भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता पुलिस से भी अधिक संख्या में जुट गए थे। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर मामूली सुधार हुआ है। इस बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रस्ताव सौंपते देखी गई, जिसमें लॉकडाउन और उसके तौर तरीकों को लेकर जानकारी साझा की गई। दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने यहां संक्रमण के प्रसार को रोकने के उपाय करने के साथ ही टीकाकरण को गति बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। देश में अब तक 37 करोड़ से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, यानी उनमें कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। वसीम रिजवी ने अपनी वसीयत बनाई है। साथ ही वसीम रिजवी ने मरणोपरांत अपने शव के अंतिम संस्कार का अधिकार जुना अखाड़े के महामंडलेश्वर नर सिंहानंद गिरी को दिया है। पाकिस्तान से हिसाब बराबर करने की अब भारत के पास बारी है, क्योंकि दोनों टीमों की भिड़ंत एक बार फिर से देखने को मिलने वाली है। सितंबर में श्रीलंका में अपने अगले साल एशिया कप का आयोजन होना है। एशिया की सभी टीम जिसमें हिस्सा लेगी, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों टीम भी आमने सामने आएगी। एशिया कप का आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक में यह तय हुआ है कि श्रीलंका में यह किया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रघुनाथ प्रसाद, रवीश कुमार, अजहर एच सैयद, विनय कुमार, ओमकार सिंह, सिंटू कुमार सिंह, सचिन कुमार, राजेश सोंथियाल, कृष्णा राठी, अरविंद कुमार, जगदीश दास, एजे चौधरी, नन्नू कुमार, सूर्य भूषण ऑफिशियल, अंकित राज, राम पुकार कुमार, संतोष कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार रोहित शर्मा विराट कोहली से बेहतर कप्तान साबित हो पाएंगे या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।